पोहरी कॉलेज प्रांगण में अम्मा महाराज की पुण्यतिथि मनाई। राज्य मंत्री दर्जा प्रहलाद भारती सहित भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। खबर पोहरी से आ रही। पोहरी कॉलेज प्रांगण में कैलाश वासी श्रीमंत विजया राजे सिंधिया के पुण्यतिथि मनाई गई, जहां मुख्य रूप से पहुंचे मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम के उपाध्यक्ष राज्य मंत्री दर्जा प्रहलाद भारती, जिला उपाध्यक्ष दिलीप मुदगल सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे, जहाँ कार्यक्रम में सर्वप्रथम अम्मा महाराज की तस्वीर पर समस्त कार्यकर्ताओं ने माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किए, जहां राज्य मंत्री ने उनके जीवन पर प्रकाश डालते हुए बताया कि अम्मा महाराज राजनीति में वो शब्द थी जिन्हें पद की कभी लालसा नहीं रही। उन्हें कई बार बड़े पदों के लिए ऑफर आया, लेकिन हमेशा उन्होंने संगठन को संगठित रखा। उनकी सादगी हमेशा लोगों के दिलों में अजर व अमर रहे। इस दौरान पोहरी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष देवेंद्र धाकर, बैराड़ युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष अभिषेक गुप्ता, शिवम मुदगल, हरिशंकर धाकड़, मानवेंद्र राघव, भारत कर्ण सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे। पोहरी से संवाददाता धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट। है समय की धारा सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। ऐसे ही इतिहास बनाने वाली हमारी अम्मा महाराज राजमाता विजय राजे सिंधिया जी थी, जिन्होंने हर क्षेत्र में एक इतिहास बनाया। राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में, धार्मिक क्षेत्र में अम्मा महाराज ने राजपथ से लोकपथ तक का एक बहुत बड़ा रास्ता अपनाया और उस पथ पर चलते हुए लोकपथ पर वो पहुंची। राजमाता शब्द भी उनके लिए बौना हो गया। उन्होंने अपने लिए तो हर कोई जीता है कि पतंगे जीते हैं, पशु पक्षी देखे हैं, लेकिन राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, देश के लिए जो जीते हैं उन्हें इतिहास याद रहता है। अम्मा महाराज राष्ट्र के लिए जी, सिद्धांतों के लिए जी, औरों के लिए जी, पथ और परित के लिए जी। पूरा जीवन उनका संघर्षमय था। उन्होंने कभी भी समझौता नहीं किया। राजनीति भी की तो सिद्धांतों की राजनीति की। कभी वो पद के पीछे नहीं भागी, पद उनके पीछे भागे। उन्होंने 2007 में डीपी मिश्रा की सरकार को उखाड़ के फेंक दिया। तब वो चाहती तो प्रदेश की मुख्यमंत्री होती, लेकिन उन्होंने मुख्यमंत्री का पद नहीं स्वीकारा। उन्होंने किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाया। ऐसे ही हमारी जब सरकार आई थी आपातकाल के बाद, मोरारी देसाई थी, उस समय वो केंद्रीय मंत्री होती, लेकिन तब भी नहीं। अटल बिहारी जी की सरकार आई, तब भी वो केंद्रीय मंत्री बन सकती थी, लेकिन नहीं बनी। उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत बने, तब भी वो उपराष्ट्रपति बन सकती थी, लेकिन वो भी उन्होंने पद स्वीकार नहीं किया। इतना ही नहीं, और भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकती थी, भारतीय जनता पार्टी का नया गठन हुआ था तब, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनके गुरुजी ने उन्हें मना किया, तब उन्होंने वो भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, देश के लिए सतत काम किया, हर और वो सतत काम करती रही अंतिम क्षण तक। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी की पुण्यतिथि है। राजमाता विजयराजे सिंधिया जी का जन्म 1919 में 12 अक्टूबर को सागर जिले के राणा परिवार में महेंद्र सिंह जी के हुआ था। बंधु, राजमाता विजयराजे सिंधिया जी जीवन से ही संघर्ष में उनका जीवन रहा, और उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के जनसंघ के रूप में उन्होंने जनसंघ की सदस्यता ली और जनसंघ की स्थापना की। तभी से लेकर उन्होंने 25 जनवरी 2001 तक भारतीय जनता पार्टी और पूरे अंचल बल्कि पूरे देश की जनता का और खासतौर पर ग्वालियर चंबल समाज के सभी को अपने परिवार के रूप में राजमाता विजयराजे सिंधिया जी ने माना, और उन्होंने इमरजेंसी के समय सीमित